आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान, जो अपने देश के लोगों से ज्यादा आतंकियों की फिक्र करता है, जिस देश को आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश बोला जाता है, उसको अब आतंकवादियों से ही दिक्कत होने लगी। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र में बड़ी अपील की कि आतंकी संगठनों से अवैध हथियार हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आतंकियों द्वारा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने इसकी जांच करने की भी मांग की है कि आखिर आतंकी संगठनों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार कैसे पहुंच रहे। पाकिस्तान के राजदूत ने आगे ये भी कहा कि हथियारों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है। मुनीर अकरम ने आगे ये भी कहा कि आतंकी और अपराधी ऐसे खतरनाक हथियारों को नहीं बनाते, ये हथियार पाकिस्तान को अस्थिर करने की इच्छा रखने वाले संस्थानों से खरीदते हैं। सोचिए किस तरह का बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के राजदूत। इन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा कि कश्मीर घाटी में जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं, उन्हें वो पाकिस्तानी सेना कौन से हथियार देकर भेजती है और कैसी कैसी ट्रेनिंग चलाती है। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब खुद पाकिस्तान इस बात को मानने लगा है कि आतंकवादी उसके साथ उसकी दाल नहीं गलने वाली। बता दें कि तहरीके तालिबान यानी TTP एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। ये संगठन पूरे पाकिस्तान में शरिया आधारित शासन स्थापित करने पर जोर देता है। तहरीके तालिबान यानी TTP पाकिस्तान में ही अपनी सरकार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर TTP के कई हजार लड़ाके मौजूद है जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों में पाकिस्तान तालिबान से पिट रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तो एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना पर कई हमले करके अनेकों जान ली गई है। आतंकी हमलों में एकाएक बढ़ोतरी देखी गई है। TTP के निशाने पर अधिकतर पाकिस्तानी सेना या पुलिस की चौकियां ही रहती है। पाकिस्तानी फौज और ISI उन आतंकवादियों के सामने बौनी नजर आ रही जिन्हें उसी ने पाला पोसा है। सेना अध्यक्ष मुनीर अकरम हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज, TTP को उनकी चेतावनी का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर अमेरिका गए हुए थे। बताया गया है कि उन्होंने वहां पर भी रोना धोना शुरू किया था कि उन्हें TTP पीट रहा। ऐसे में आतंकवादी गुट को समाप्त करने के लिए उन्होंने अमेरिका से भी मदद मांगी थी। खैर TTP ने जिस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने और आजादी की बात कह दी है और बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को ये याद रखना चाहिए कश्मीर में जिहाद के नाम पर उसके इन्हीं आतंकियों ने क्या कुछ नहीं किया। अब बारी लाहौर, पेशावर और कराची की है। देखना तो ये होगा कि क्या TTP पाकिस्तान को खत्म करने या फिर कोई दूसरा आतंकी संगठन पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।